इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जम्मू कश्मीर के बडगाम में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को किया ढेर, एक 47 पिस्टल बरामद। बड़गांव के बोचुआ इलाके में आतंकियों के छिपे होने की मिली थी खबर, सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया तो आतंकियों ने की फायरिंग। एनकाउंटर में फरार हुआ दूसरा आतंकी भी गिरफ्तार, आतंकी के पास से एक पिस्टल और एक ग्रेनेड बरामद, ट्रक चालक भी हुआ गिरफ्तार, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में दो आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों और पुलिस की ज्वाइंट टीम ने ऑपरेशन को दिया अंजाम। जम्मू कश्मीर के सांबा में इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक एक फील्ड में मिला एंटी टैंक माइन बम स्क्वाड दस्ते ने बम को डिफ्यूज किया। स्वतंत्रता दिवस से पहले श्रीनगर में लाल चौक पर घंटा घर तिरंगे के रंग में रंगा, श्रीनगर के मेयर ने शेयर की तस्वीर। मुंबई पुलिस को कल रात मिली सीरियल ब्लास्ट की धमकी, पुलिस बम स्क्वाड और जीआरपी ने चलाया सर्च ऑपरेशन, टीमों ने कई ठिकानों पर ली तलाशी। सर्च ऑपरेशन में नहीं मिले बम, फर्जी निकले धमकी भरे कॉल। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के बंगले पर भी बम रखे जाने की दी गई थी धमकी, मुंबई पुलिस की टीम ने ली तलाशी, पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया। ओलंपिक में गोल्फ में पदक से चूंकी भारत की अदिति अशोक, इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले में चौथे स्थान पर रही। सिर्फ एक शॉट से पदक से चूंकी अदिति अशोक, चौथे राउंड में गलत शॉट लगाने से पदक गया। अदिति ने दूसरी पोजीशन से शुरू किया था फाइनल राउंड का मुकाबला, अमेरिका की नेली कोर्डा को मिला पहला स्थान। महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया को उत्तराखंड सरकार देगी 25 लाख रुपए का इनाम, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का ऐलान। जेवलिन थ्रो में एथलीट नीरज चोपड़ा फाइनल में गोल्ड मेडल के लिए दिखाएंगे दमखम, क्वालिफाइंग राउंड में टॉपर फिनिश के बाद फाइनल में बनाई जगह। क्वालिफाइंग राउंड में नीरज चोपड़ा ने 85.5 मीटर के थ्रो के साथ ग्रुप ए में टॉपर किया था फिनिश। आज शाम 4:30 पर होगा जेवलिन थ्रो का मैच। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट मानस कुमार ने नीरज चोपड़ा का बनाया सैंड आर्ट, लिखा भारत को गोल्ड का इंतजार। 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक के लिए पहलवान बजरंग पूनिया पेश करेंगे चुनौती, शाम 3:15 से होगा मुकाबला। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ऐलान, झारखंड की सभी महिला हॉकी खिलाड़ियों को मिलेगा 50-50 लाख रुपए का इनाम, साथ ही उनके घर को पक्का बनाया जाएगा। महिला हॉकी टीम के हेड कोच शॉट मारिन ने दिया इस्तीफा, इस्तीफे से पहले कहा था खिलाड़ियों की मेहनत फ्यूचर जनरेशन को प्रेरित करेगी। लगातार 3 दिन केंद्रीय मंत्रिपरिषद की होगी बैठक, शाम 6 बजे संसद भवन के एनेक्सी में 10, 11 और 12 अगस्त को बैठक। मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी मंत्रालयों के कामकाज की होगी समीक्षा, आने वाले समय के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। राष्ट्रपति भवन में आज होगी चाय पर चर्चा, राष्ट्रपति ने हाईटी पर बुलाया, पीएम मोदी समेत पूरी कैबिनेट मौजूद रही। मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद पहली बार मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात, शाम 6 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चाय पर बुलाया। आज पीएम मोदी मध्य प्रदेश के PMGKAY लाभार्थियों से करेंगे बात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 11:00 करेंगे चर्चा। आज पूरे मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना दिवस, प्रधानमंत्री के वर्चुअल चर्चा में मध्य प्रदेश के सीएम और राज्यपाल भी रहेंगे मौजूद। मिशन 2022 के लिए एक्शन में बीजेपी, आज से 2 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा। आज लखनऊ और कल आगरा का दौरा करेंगे JP नड्डा, लखनऊ में नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों को करेंगे संबोधित। गुजरात के सीएम के रूप में विजय रूपाणी के आज 5 साल पूरे हुए, इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह गुजरात में 10:30 कई विकास परियोजनाओं के रखेंगे आधारशिला, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। लद्दाख घूमने जाने वालों के लिए अच्छी खबर, ले प्रशासन ने घूमने के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत को किया खत्म। अभी लद्दाख के अंदरूनी इलाकों में जाने के लिए इनर परमिट की थी जरूरत, लद्दाख जाने वाले सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी होने की उम्मीद। ट्विटर ने राहुल गांधी के दिल्ली में रेप मर्डर पीड़ित मासूम के माता पिता से मुलाकात, पलक ट्वीट हटाया, नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई। 9 और 10 अगस्त को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे राहुल गांधी, जम्मू कश्मीर यूनिट की पार्टी मुख्यालय का उद्घाटन भी कर सकते हैं। बिहार में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर आज RJD करेगी धरना प्रदर्शन, जिला मुख्यालयों पर RJD कार्यकर्ता धरना देंगे। UP के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का विवादित बयान, BSP और समाजवादी पार्टी को बताया शुद्ध का प्रभुत्व, सम्मेलन के जरिए देख रहे हैं सत्ता का सपना। BMC चुनाव अकेले या गठबंधन के साथ मिलकर लड़ने पर स्थानीय स्तर पर कांग्रेस लेगी फैसला, समीक्षा बैठक के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी HK पाटिल का बयान। तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन के पूर्व सीएम और अपने पिता M करुणानिधि की बरसी पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी, बाकी मंत्रियों के साथ श्रद्धांजलि देने करुणानिधि मेमोरियल पहुंचे स्टालिन। सरकार ने भुवनेश्वर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के परिसर में ड्रोन से निगरानी की दी मंजूरी, ASI की मदद से होगा ड्रोन का इस्तेमाल।
एयरफोर्स चीफ भदौरिया ने इसराइल में उड़ाया लड़ाकू विमान F-15 यूएई से 3 दिन के दौरे पर पहुंचे हैं इसराइल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अध्यक्षता में पहली बैठक, भारत ने कमान मिलते ही पाकिस्तान पर कसा शिकंजा, कहा आतंक को पनाह देने वालों पर कार्रवाई की जरूरत। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका ने दी चेतावनी, कहा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा मंजूर नहीं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अफगान प्रतिनिधि ने इमरान सरकार को घेरा, कहा तालिबान को पाकिस्तान में मिल रही सुरक्षित पनाह। अफगानिस्तान में चल रही जंग के मैदान से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीरें, चारों ओर गोली और बम की आवाज से गूंज उठा इलाका। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद अफगानिस्तान में जंग का मैदान बने मजार शरीफ पहुंचे, हाईवे के पास तालिबान और अफगान सुरक्षा वालों के बीच जमकर गोलीबारी। मजार शरीफ के पास 200 तालिबान आतंकियों ने अफगान सेना पर किया हमला, इंडिया टीवी के कैमरे में कैद जंग की लाइव तस्वीरें। सुरक्षा बलों को अफगानिस्तान में लगा भारी झटका, तालिबान ने दक्षिणी निमरोज प्रांत की राजधानी जरांस पर किया कब्जा। निमरोज प्रांत की सरकार ने कहा राजधानी पर कब्जे की लड़ाई जारी है, पर एयरपोर्ट के अंदर और शहर की एंट्री पॉइंट पर नजर आए तालिबानी आतंकी। 12 दौर की वार्ता के बाद गोगरा पोस्ट से पीछे हटा चीन, अस्थायी बंकर समेत दूसरे बुनियादी ढांचे को बिठाया। 10 जुलाई को हुई थी कॉप्स कमांडर की बैठक, दोनों सेनाएं LFC के नियमों का पालन और सम्मान करने पर राजी हुई। भारतीय राजदूतों उच्चायुक्तों से पीएम मोदी का संवाद, का भारत को हर सेक्टर में ग्लोबल चैंपियन तैयार करना है। पीएम मोदी ने कहा एक्सपोर्टर्स के साथ सरकार को कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। चुनाव आयोग ने राष्ट्रवादी विकास पार्टी को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी, 4 अगस्त 2021 से पार्टी को मान्यता मिली। मुंबई पुलिस के प्रॉपर्टी सेल ने शर्लिन चोपड़ा से की करीब 8 घंटे तक पूछताछ, हॉट शॉट के साथ करार होने से किया इनकार। पोर्नोग्राफी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से राजकुंद्रा को झटका, राजकुंद्रा रियान थोरपे की याचिका खारिज, याचिका में मैजिस्ट्रेट कोर्ट की रिमांड के फैसले को दी थी चुनौती और तत्काल रिहाई की मांग की थी। पीटीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की मां को ईडी ने भेजा नोटिस, मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत 18 अगस्त को पेश होने को कहा। NIA ने कर्नाटक के भटकल से ISIS के एक अहम सदस्य को गिरफ्तार किया, अली बद्री के साथ उसका एक सहयोगी भी गिरफ्तार। JEE मेंस परीक्षा के नतीजों का ऐलान, 17 परीक्षार्थियों ने 100% स्कोर किया। असम और मेघालय सीमा विवाद को सुलझाने में जुटे दोनों राज्यों के सीएम, दूसरी बार सीएम लेवल पर भी चर्चा। मिजोरम के साथ सीमा विवाद पर बोले असम के सीएम, सही समय पर सभी अनसुलझे मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा। असम से मिजोरम में अब भी शुरू नहीं हुई है आवाजाही, गुरुवार रात असम सरकार ने ट्रैवल एडवाइजरी वापस ली थी। ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, विकास के लिए मिलकर काम करने के लिए कही बात। नासिक में डेल्टा वेरिएंट के 30 मरीज मिलने के बाद महाराष्ट्र सरकार अलर्ट, नासिक के गार्डियन मंत्री छगन भुजबल ने बुलाई रिव्यू मीटिंग। देश में कोरोना के 38,000 से ज्यादा नए केस आए सामने, 24 घंटे में 617 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 19,948 नए केस, बीते 24 घंटे में 19,480 लोग ठीक हुए। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,539 नए केस, 187 लोगों की गई जान। कोरोना के खिलाफ जंग में अहम उपलब्धि, देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 50 करोड़ के पार, पिछले 20 दिनों में लगे 10 करोड़ डोज। महाराष्ट्र में 17 अगस्त से 5वीं से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी, जिन इलाकों में कोरोना के केस कम है उन्हीं इलाकों में SOP के तहत स्कूल खोले जाएंगे। कोरोना महामारी से लड़ाई में अमेरिका ने फिर दिया भारत को मदद का भरोसा, व्हाइट हाउस ने जारी किया बयान, कहा वैक्सीन भेजने में देरी रेगुलेटरी दिक्कतों के कारण हुई। मुंबई में वैक्सीन की किल्लत जारी, BMC के केवल 34 केंद्रों पर आज लग रही है वैक्सीन, नस्को सेंटर पर भारी भीड़। बिहार में आज से खुले 9वीं और 10वीं के स्कूल, महीनों बाद आज से सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल भी खुले, साप्ताहिक बंदी को छोड़ रोज खुलेंगे बाजार। कोरोना मामलों में कमी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने राज्य सचिवालय में पत्रकारों और विजिटर्स की एंट्री से हटाया प्रतिबंध, आने वालों को करना होगा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन। गंगा और यमुना में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, प्रयागराज की नदी से सटे इलाकों में भरा पानी, बाढ़ के हालात से लोगों की मुश्किलें बढ़ी, लगभग 1500 मकान डूबे। वाराणसी में भी खतरे के निशान के करीब पहुंची गंगा नदी, वरुणा नदी में उफान से कई निचले इलाकों में भरा पानी। पटना में भी भारी बारिश से गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर, घाटों पर लोगों को पूजा करने में हो रही दिक्कत। मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात के जरिए पूर्व CM कमलनाथ ने सांसद शिवराज सिंह चौहान पर निशाना, कहा CM को नहीं कोई परवाह, दिखावे के ड्रामे से कोई फायदा नहीं होगा। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज से आग्रह किया कि वो आगे आए और बाढ़ प्रबंधन के समय और आंकड़ों की दे जानकारी। कमलनाथ बोले सरकार को सभी को करना चाहिए था सतर्क।
लगातार बारिश, लैंडस्लाइड और बाढ़ से हिमाचल के कांगड़ा में पर्यटन पर पड़ा असर। टैक्सी चालकों को टूरिस्ट के न आने से हुआ भारी नुकसान। मध्य प्रदेश के गुना में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जल जमाव, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात। झालावाड़ में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात, जिले की सभी नदियां और डैम खतरे के निशान के पार। झालावाड़ के भवानी मंडी इलाके में भारी बारिश से निर्माणाधीन दो मंजिला मकान ध्वस्त, पास से गुजर रहे लोग बाल बाल बचे। बारिश के बाद भी दिल्ली में यमुना की हालत में सुधार नहीं, कालंदी कुंज के पास यमुना में लगातार निकल रहा है सफेद झाग। दिल्ली के लालबाग इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, पुलिस ने तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के नैनीताल में खाई में गिरी तेज रफ्तार कार, हादसे में दो पर्यटकों की गई जान। तेलंगाना के रंगारेड्डी में ट्रक और कार की टक्कर, हादसे में पांच लोगों की मौत। हिमाचल के सिरमौर में ड्राइवर की सूझबूझ से टला दर्दनाक हादसा, बस पर सवार सभी 22 यात्री सुरक्षित, नेशनल हाईवे 707 से फिसल गई थी बस। झारखंड के धनबाद में छात्रों और पुलिस के बीच जमकर बवाल, 12वीं के नतीजे से नाराजगी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज। पानीपत में महिला ने कार चालक की पिटाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। सोनीपत में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, गांव के ही रहने वाले दूसरे शख्स ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर हत्या की जिम्मेदारी ली। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में क्रेडिट कार्ड का बिल ना भर पाने पर महिला को रिकवरी एजेंट ने किया अश्लील मैसेज, पुलिस ने FIR दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। टोक्यो की ट्रेन में एक सरफिरे ने चाकू से बचाया कोहराम, 10 यात्रियों को किया घायल, पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार। एथेंस में आग का कहर जारी, हजारों लोगों ने घर छोड़े, 1000 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे। भारत ने ट्रेंट ब्रिज टेस्ट में इंग्लैंड पर कसा शिकंजा, पहली पारी में बनाए 278 रन, 95 रनों की ली बढ़त। इंग्लैंड ने दूसरी पारी में बिना कोई विकेट खोए 25 रन बनाए, रॉरी बर्न्स 11 और डोमिनिक 9 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। भारत की तरफ से पहली पारी में KL राहुल ने 84 और रविंद्र जडेजा ने 56 रनों की पारी खेली, आखिरी में जसप्रीत बुमराह ने ताबड़तोड़ 28 रन बनाए। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को T20 सीरीज में 3-0 से हराया, आखिरी मैच में दर्ज की 10 रन की जीत, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नाथन एलिस ने जमाई हैट्रिक। पत्नी के आरोपों को योयो हनी सिंह ने बताया झूठा, बोले तकलीफ में हूँ, कानून पर है भरोसा। इंडिपेंडेंस डे से पहले 10 अगस्त को रिलीज होगा टाइगर श्रॉफ का गाना वंदे मातरम, कोरियोग्राफर प्रोड्यूसर रेमो डिसूजा ने किया है गाने का निर्देशन। करण जौहर ने इंडियन आइडल 12 के दो कंटेस्टेंट्स को दिया सिंगिंग का ऑफर, करण ने दोनों सिंगर्स को लिफाफे में दिया कॉन्ट्रैक्ट पेपर। पहली बार फिल्म में साथ नजर आएंगे भूमि पेडनेकर और शाहिद कपूर, अली अब्बास जफर करेंगे फिल्म का डायरेक्शन। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।